जो बंदा आईफोन लेने भी जा रहा होगा वो भी 10 बार सोचेगा कि एसुस का आरओजी फ़ोन 3 ले या आईफोन ले, क्योंकि एसुस ने जो है वो प्राइसिंग के बारे में काफ़ी कुछ इस बार तहलका मचाया है और काफ़ी कुछ इस बार कमाल कर दिया है एसुस ने। तो मुझे तो लगता है एसुस इस बार मार्केट में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करने वाला है एज अ गेमिंग स्मार्टफोन के तौर पर। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है प्राइस। तो प्राइसिंग के बारे में एसुस ने सच में कमाल कर दिखा है, जो कि 49999 का प्राइस है। और इस 49999 के प्राइस टैग में आपको एक लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का 865+ 144Hz का HDR10+ डिस्प्ले और सबसे बड़ी बात 6000mAh की बैटरी। जो दूसरा सबसे बड़ा मेन पॉइंट निकल के आता है वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन के मामले में इस बार एसुस ने भी काफ़ी कमाल कर दिखा है, जो कि एसुस का आरओजी फ़ोन 2 था उससे भी काफ़ी अच्छा और सिंपलिस्टिक डिज़ाइन के साथ ये आरओजी फ़ोन 3 आता है और मुझे भी काफ़ी इसका डिज़ाइन जो है वो पसंद आया। एक्सटर्नल कूलिंग फैन जो कि थर्ड पॉइंट है हमारा, एक्सटर्नल कूलिंग फैन भी एसुस का स्मार्टफोन जो है वो सपोर्ट करता है। आप गेम खेलते हो तो आपका डिवाइस हीट हो जाता है, वही हीट को डिसिपेट करने के लिए जो है वो एक्सटर्नल कूलिंग फैन एसुस का फ़ोन यूज़ करता है। और एसुस के साथ मतलब जो अगला पॉइंट आता है वो है फोर्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड, जो कि है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी मतलब काफ़ी सारे आप एक्सटर्नल डिवाइसेस इसको अटैच कर सकते हो, लगा सकते हो, जैसे कि एक्सटर्नल गेम पैड, एक्सटर्नल कूलिंग जो कि हमने इसके पहले पॉइंट में देखा, और एक्सटर्नल डॉक, और साथ ही साथ ये USB टाइप सी की जो भी एक्सटर्नल SSDs आते उन सभी को सपोर्ट करता है। और भी बहुत कुछ है स्मार्टफोन जो वो सपोर्ट करता है, इसलिए इसकी जो मॉड्यूलरिटी वो काफ़ी ज़्यादा है। जो इसका फिफ्थ रीज़न आता है वो है RGB लाइटिंग ऑन द रियर साइड, यानी कि पीछे साइड इसके जो है वो RGB लाइटनिंग हमें देखने को मिलता है। और ये काफ़ी सारे गेमर्स का फेवरेट होता है कि अपने डिवाइस पे एक RGB लाइट होना ही चाहिए, जैसे गेमिंग कंप्यूटर में होता है वैसे ही अभी एसुस ने जो है वो ROG फोन 2 से भी 1 से भी वैसे ही करते आ रहा है, और अब 3 में भी वैसे ही दिया है उसने, और वो शो ऑफ करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और जो सिक्स्थ रीज़न आता है वो है इंटीग्रेटेड गेमिंग ट्रिगर्स, जो कि राइट साइड में टॉप और बॉटम के कॉर्नर पे हमें देखने को मिलते हैं और वो गेमिंग के वक्त काफ़ी हेल्प करते हैं। जो सेवेंथ रीज़न हमारे पास है वो है ड्यूअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स विद ड्यूअल NXP एम्पलीफायर्स, जो कि हमारे म्यूज़िक में जो बेस होता है वो बेस को भी बढ़ा देता है, और गेमिंग के वक्त जो फुटस्टेप्स आते हैं जैसे कि PUBG में, वो फुटस्टेप्स भी हमें और क्लियरली मतलब सुनाई देते हैं वो स्पीकर्स। एट रीज़न जो हमारे पास है वो है ट्रिपल रियर कैमरास का। भाई भले ये गेमिंग स्मार्टफोन हो लेकिन कैमरास के मामले में भी काफ़ी एसुस ने इस बार कमाल कर दिखाया है। और कैमरास से मेरा मतलब है ये कैमरा जो 64 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल विथ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट। भाई गेमिंग स्मार्टफोन में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग वो एसुस ने आज करके दिखाया है। और फ्रंट में जो हमें मिलता है वो है 24 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर। नंबर 9 का जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ़ एक्सेसरीज, जो कि एसुस हमें प्रोवाइड करके देता है उस गेमिंग स्मार्टफोन के लिए, जो कि हमें मार्केट में जाके मिलेगा या फिर एसुस के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिलेगा, जैसे कि ROG 3 गेमिंग पैड, लाइटनिंग आर्मर केस, ट्विन व्यू डॉक 3, मोबाइल डेस्कटॉप डॉक, और गेमिंग ईयरफोन्स जो कि एसुस की तरफ से आते हैं, और उस ईयरफोन्स में जो है वो लाइटनिंग भी आती है दोस्तों, और वो काफ़ी सारा मतलब गेमिंग का हमें इफ़ेक्ट देता है। और अब हम बढ़ते आगे लास्ट पॉइंट पे हमारे, जो कि नो हेडफोन जैक। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। हेडफोन जैक हमें एक गेमिंग स्मार्टफोन में ज़रूर चाहिए, लेकिन इस बार एसुस ने हमें हेडफोन जैक ROG फोन 3 में दिया नहीं है। लेकिन हाँ उसके बॉक्स में जो है वो USB टाइप सी टू 3.5mm का अडेप्टर मिल जाता है, जो कि हमें आफ्टर मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे एसुस ने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर किया है डिज़ाइन में, क्योंकि हेडफोन जैक होना एक गेमिंग स्मार्टफोन का खासियत होता है, लेकिन अभी एसुस ने अपनी गलती सुधारी है बॉक्स में अडेप्टर देके, तो इससे नो कंप्लेंट्स है हमें।